नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि चुनाव की दूसरी कड़ी आज चल रहा है और पूरे देश में चुनाव की माहौल है और बीजेपी कांग्रेस आपस में लड़ाई आज उज्ज्वल चल ही रहा है। लेकिन कुछ खास बातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर हमला भी किया है, क्योंकि आपको पता है 24 अप्रैल से प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ यानी संपत्ति पुनर्वितरण योजना की पुष्टि कर दी थी। कांग्रेस नेता रशीद अलवी ने मनमोहन सिंह के भाषण का समर्थन किया और कहा कि वास्तव में भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। प्रवासी कांग्रेस नेता और राहुल गांधी के सलाहकार सैम पिट्रोडा ने भारत में इनहेरेंट टैक्स यानी विरासत पर शुरू करने के बारे में चर्चा शुरू की। सैम पिट्रोडा की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी पूरी तरफ से बेनकाब हो गई है और सबसे पहले उनकी घोषणा पत्र में सर्वे का जिक्र, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की विरासत है कि देश की संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और अब सैम पिट्रोडा की अमेरिका के हवाले से टिप्पणी का संपत्ति का बंटवारा जैसे मुद्दे पर विचार विमर्श होना चाहिए। अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये मुद्दा उठाया तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरे कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है कि उनका मकसद कभी नहीं था ये। लेकिन आज सैम पिट्रोडा के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने साफ कर दिया है। वे देश के लोगों को निजी संपत्ति का सर्वेक्षण कर उसे सरकारी संपत्ति में रखना चाहते हैं और यूपीए के शासनकाल के दौरान निर्णय के अनुसार उसका वितरण करना चाहते हैं। इन सब के बावजूद कई कांग्रेसी ये बात फैला रहे हैं कि पहले चरण में एनडीए की खराब प्रदर्शन को भांप कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हताशा हो गए हैं और सांप्रदायिक रुख अपना रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। यह प्रधानमंत्री अपने काम और भविष्य के दृष्टिकोण के आधार पर प्रचार कर रहे थे, वही राहुल गांधी बीजेपी वापस आएगी तो संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण वापस ले लेगी, चुनाव नहीं होंगे, ऐसे वैसे कितने बयानों के साथ भय पैदा करके प्रचार कर रहे हैं। मित्रों, ऐसा लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी उनके रवे से तंग आ गए और उन्होंने कांग्रेस आई तो आपकी संपत्ति मुसलमान को दे देगी, मंगलसूत्र का हिसाब करेगी, एससी एसटी का जो आरक्षण है मुसलमान को दे देगी जैसे बयानों के साथ उसी भाषा में जवाब देने की फैसला किया, और वो उसे राहुल गांधी से कहीं बेहतर तरीके से कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पूरा इंडी गठबंधन लड़खड़ा गया है। व्यंग को एक तरफ से रखते हुए ये मूर्ख राजनेता क्या नहीं जानते हैं। मित्रों, पहला चरण बीजेपी के लिए सबसे कठिन था, क्योंकि इसमें तमिलनाडु सहित बीजेपी के लिए सबसे अपरंपरागत सीटें शामिल थी, जहां धर्मनिरपेक्षता का सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ था, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर अभियान के स्वर नरम रखा था और धन के रीडिस्ट्रीब्यूशन एजेंडे के साथ राहुल बिंची, अगर आपको पता हो तो मैं बता दूं, राजीव गांधी की हत्या के बाद सुरक्षा की समस्या के कारण राहुल गांधी अमेरिका के फ्लोरिडा में रोलिंग्स कॉलेज में स्थानांतरित हो गए। जब वे रोलिंग्स कॉलेज में थे तब उन्होंने अपने नाम राहुल विंची रखा था। उसका असली नाम केवल कुछ विश्वविद्यालय अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को ही पता था। तो हिंदुओं को लूटने की खतरनाक योजना को उजागर करने के लिए सही समय का इंतजार किया था, और दूसरे से सातवीं राउंड में 80% सीटें ऐसे होंगी जो बीजेपी एनडीए का गढ़ है।
अब नरम लहजे में रहने की जरूरत नहीं है और तुष्टीकरण की नीतियां के संबंध में कांग्रेस को पूरी तरफ से आक्रामक होकर नंगा कर देना जरूरी है, ये भाजपा की रुख है। इसीलिए अब मोदी साहब ने हर हिंदू को ये बताने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं और राजनाथ सिंह भी साथ में कि ऐसे कांग्रेस अवैध प्रवासी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को खुश करने के लिए उन्हें लूटने की योजना बना रही है। पहला चरण तमिलनाडु में और दूसरा चरण केरल में है। तमिलनाडु में कम मतदान होना महत्वपूर्ण था और इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। अब केरल में उच्च मतदान होना महत्वपूर्ण है जहां हिंदू और ईसाई पहले से ही वामपंथिया और कांग्रेस द्वारा इस्लामवादियों के तुष्टीकरण से उत्तेजित हैं और लव जिहाद के बढ़ते मामलों से डरे हुए हैं। इसीलिए उच्च स्तरीय अभियान उन्हें और अधिक मजबूत करेगा। भाजपा अब अपने गढ़ वाली सीटों पर अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसके लिए तथ्यों पर आधारित आक्रामक अभियान की जरूरत है। बीजेपी पहले ही पहली महत्वपूर्ण परीक्षा पास कर चुके हैं, जहां एनडीए कम से कम 69 सीटें 2019 में 47 था जीतने की ओर है। अब उसे काफ़ी सीटें पर 80% स्ट्राइक रेट पर ले जाना होगा। यही कारण है कि हम नरेंद्र मोदी साहब की और राजनाथ सिंह की जबरदस्त आक्रमण करना जो आक्रामकता है वो कांग्रेसी मैनिफेस्टो पर तथ्यात्मक प्रदर्शन पर आधारित है। आप देख रहे हैं जो हर चरण के साथ बढ़ती है और बढ़ती जाएगी। मित्रों, अगर परिस्थितियों को देखा जाए तो कांग्रेस जिस तरह से चुनाव रणनीति ले रहा है उससे लग नहीं रहा है कि उसकी रणनीति सही है और इस रणनीति को लेके उसको कोई अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और इसीलिए कभी नहीं समझ पाएगी कांग्रेस हर अलग अलग चरण जो चुनाव है उसके लिए अलग अलग रणनीति की आवश्यकता होती है, लेकिन कांग्रेस उसमें फेल है। राजनीति कभी सीधे रेखा नहीं होती है। जब राजनीतिक चर्चा अशांत हो जाती है तो आपको कांग्रेस इकोसिस्टम के डर फैलाने वाले नैरेटिव को उजागर करने के लिए एक समान रणनीति अपनानी होगी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक अनुभवी राजनीतिज्ञ होने पर के नाते वैसी संसारिक और कभी कभी बचकाने प्रचार को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। राहुल के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वेच्छा से खुद को दी गई ऐसी सजा को स्वीकार कर लिया लगता है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री का रवैया है और राहुल गांधी उसको जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बचकना हरकत है जो चाइल्डिशनेस, ये राहुल गांधी जिस तरह से अटैक कर रहा है वो सेम प्लेटफॉर्म में नहीं है। उनके रणनीति लगता है फेल है टोटली, ऐसे उसमें लगता है। मित्रों, हर जो चुनाव डेट है उसको लेके भाजपा ने अलग अलग रणनीति अपना रही है और आक्रामक स्टाइल में कर रहा है, कांग्रेस भी कर रहा है, लेकिन बार बार हम आपको बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के स्ट्रैटेजी के सामने राहुल गांधी या कांग्रेस या सोनिया गांधी का स्ट्रैटेजी टोटली फेल है, ऐसा दिखाई दे रहा है। हमने अभी अभी वृंदावन गए थे, मेरठ गए थे, आगरा गए थे, बुलंदशहर गए थे, गाजियाबाद गए थे, हमने आम जनता से बात किया, हमने सबसे पूछा कि भाई किसको वोट देना है। आप तो विश्वास ही नहीं करेंगे, हम अपना अलग अलग न्यूज आइटम्स आप देखेंगे 99.99% वोटर कहते हैं हम मोदी को वोट देंगे। हम उनको पूछा भाई क्यों, ऐसा क्या बात है, तो सब कहते हैं कोई जवाब अगर देंगे तो घंटा लगेगा, हमें तो सिर्फ देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मोदी चाहिए। आप मानेंगे नहीं, अगर 100 लोगों से हम बात किए हैं तो उनमें से एक व्यक्ति मिला अजमेर से, राजस्थान से, जिन्होंने कहा राहुल गांधी को वोट देना चाहिए, और एक व्यक्ति मिला उत्तर प्रदेश से जिन्होंने कहा हम समाजवादी हैं, हम अखिलेश भैया को वोट देंगे। आप समझ सकते हैं कि एक नेता की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल हाइट जो है वो किस हाइट पर पहुंच चुका है। और वो जैसे होता है ना हर घर नल, आज भारत की हर घर में मोदी सचमुच में छा गया है। हमने नोएडा गए, हमने कई बहनों को बात किया, किचन सिस्टम में बात किया,
किचन इकोनॉमी पे बात किया है, महंगाई पे बात किया है, सब इशू के बावजूद सब दोनों हाथ उठा के कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री चाहिए। मित्रों, कभी कभी ऐसा बोलने से लगता है कि आज जो मीडिया हाउस, क्या हम मोदी का प्रचार कर रहे हैं? नहीं, जो जमीनी हकीकत है, जो हम देखा है, आपको अलग अलग लोगों की व्यूज भी हम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बोल रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हैं इस देश की रुख क्या है, जनता क्या चाहता है। आज के लिए इतना। ऐसे खबरें जानने के लिए उदय इंडिया से जुड़े रहिए। धन्यवाद।